वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिसका नाम है फोर कंज्यूमर सरप्लस। और इसका ये पार्ट वन है, यानी कि दो वीडियो दो पार्ट में हम इसको बनाएंगे। तो ये पार्ट वन है बच्चों इसका। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बच्चे यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप नेट के स्टूडेंट हो तो भी आपको इक्विवेलेंट वेरिएंस और कंपनसेशन वेरिएंस के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसलिए ये, और अगर आप मान लीजिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पीजी लेवल पर भी ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये कवर होता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हम एच एल आहूजा सर की बुक से ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उनका बुक आपके पास अगर उनकी बुक है तो आप 21 एडिशन से हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक लिया है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो मार्शल की डेफिनेशन है। तो मार्शल ने कहा कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे, यानी कि जो कीमत उपभोक्ता देने को तैयार है और जो वो कीमत वास्तव में दे रहा है, इसके बीच का जो अंतर है वही जो है वही उपभोक्ता, वही आप कह रहे हो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो शुरुआत में जो हिक्स थे उन्होंने इसी अप्रोच को यूज़ किया, हालांकि उनका जो अप्रोच था वो ऑर्डिनल की जगह कार्डिनल था, और उन्होंने इंडिफरेंस कर्व के थ्रू समझाने की कोशिश की कि कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से निकलता है। तो एक बार मैं आपको पहले जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, एक बार मैं वही आपको समझा देता हूँ कि हिक्सियन कंज्यूमर सरप्लस क्या बताता है बच्चों को। देखिए हिक्सियन कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलता है वो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको प्राइस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ये हम लिख लेते हैं एक्स कमोडिटी है और ये हमारा मनी इनकम है, ठीक है। अब प्राइस के बारे में कंज्यूमर को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ उसको ये पता है कि उसके पास 100 रुपए हैं। तो उसको पास 100 रुपए का मतलब है कि अगर वो 0 रुपए जीरो गुड्स खरीदता है तो उसके पास 100 रुपए होंगे, और अगर वो गुड्स की मात्रा में वृद्धि करता है तो उसके पास 100 रुपए की मात्रा में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। तो मान लीजिए जो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है वो ये वाला है, यानी कि ये इंडिफरेंस कर्व कब है, जब उसको प्राइस के बारे में नॉलेज नहीं है, यानी कि वो मार्केट गया, मार्केट में 100 रुपए लेके गया और उसको लगा कि भाई वो इस गुड्स को खरीदना इच्छा रखता है, लेकिन उसने क्या किया है, देखिए जब वो गुड्स खरीदने गया तो उसको मार्केट में नॉलेज नहीं थी, लेकिन मार्केट में जब पता चला कि भाई 10 रुपए की एक गुड्स उसको मिल रही है, तो चलिए हम एक प्राइस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो 0 रुपए में 10, यानी कि अगर वो 10 गुड्स खरीदता है तो उसके पास 0 रुपए बचेंगे, और अगर उसकी 0 गुड्स खरीदता है तो उसके पास 100 रुपए बचेंगे, यानी कि अब उसे प्राइस लाइन की नॉलेज हो गई है। अब मान लीजिए कि उसकी इच्छा 5 गुड्स खरीदने की है, या चलिए मान लीजिए 6 गुड्स खरीदने की है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए यहां पर मैं बोलूंगा ये उसका मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये वाला है, दिस वन, ओके बच्चों। तो यहां पर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है उसको हम बोल देते हैं IC2। अब इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको हम नाम दे देते हैं बी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे आप समझना पड़ेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 60, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि, और यहां पे मैं लिख देता हूं चलिए 40, ओके। इसका मतलब ये हुआ, अगर वैसे तो यहां पे 40 नहीं है, मनी इनकम में हम कंज्यूमर सरप्लस को मेजर कर सकते हैं, ये हिक्स का मानना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है is willing to pay कितना पे करने को तैयार है, 60 रुपीज। देखिए इसको देखिए, यहां से लेके यहां तक यानी कि इतना रुपए देने को तैयार है, यानी कि 100 रुपए में से उसके पास 40 रुपए बचेंगे तो वो 60 रुपए देने को तैयार है, बट कंज्यूमर
एक्चुअल पे 40, क्योंकि वो इतना पैसा दे रहा है, मतलब 100 से लेके 60 तक पैसे दे रहा है, यानी कि 40 रुपये पे कर रहा है। मतलब जो मनी इनकम है ना वो ऊपर से नीचे तक दिखते हैं, यानी कि यहाँ से लेके 60 का, इसका मतलब है उसने 40 रुपये खर्च किए। अगर मान लीजिए वो यहाँ पे आ जाता तो इसका मतलब 0 रुपये खर्च किए, मतलब 100 रुपये खर्च किए, ठीक है ना। अगर वो 10 खरीदता तो 0 पे आ जाता, इसका मतलब उसने 100 रुपये खर्च किए। तो इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस होगी वो 20 रुपीज होगी, कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि जो एरिया है ए बी, कंज्यूमर सरप्लस कितना है, मैं यहां लिख देता हूं, कंज्यूमर सरप्लस होगी ए बी, ये हमारा 20 हो गया। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, जो कि इससे हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है। देखिए, इस पूरी की पूरी थ्योरी में हमने ये माना है कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कॉन्स्टेंट रहती है, जिसकी वजह से अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कॉन्स्टेंट रहेगी तो आपका जो आईसीसी है वो बिल्कुल इस तरीके से होगा। देखिए, ऐसे बन रहा है ना, इस तरीके से गुड्स खरीद रहे हो, यानी कि आप इनकम बढ़ने पर भी आप उतनी ही गुड्स खरीदोगे, तो ये आईसीसी इस तरीके का होगा। ओके जी, इस तरीके का। लेकिन रियल लाइफ में तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कॉन्स्टेंट रहती नहीं है, तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी मनी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी तो आपका जो ये नॉन पैरेलली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तो पैरेलली गया था और ये नॉन पैरेलली हो गया IC3, मतलब ये वाला तब होगा IC1 से IC2 जब हम MU ऑफ M को कांस्टेंट मानेंगे, और MC3 तब होगा जब MU M को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो इस केस में आपका जो कंज्यूमर सरप्लस होगा, अगर हम MU M को नॉट कांस्टेंट, नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको हम मानेंगे, तो कंज्यूमर सरप्लस एसी होगा। तो हिक्स का ये मानना था कि कंज्यूमर सरप्लस भी वही होता है जो डिफरेंस होता है व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे। लेकिन उन्होंने जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जो एजम्पशन थी कि वो कांस्टेंट रहती है, जो मार्शल ने दी थी, उसको उन्होंने इग्नोर किया या उसको उन्होंने हटा दिया। लेकिन बाद में इनकी कई सारी आलोचना हुई, सबसे जो बड़े आलोचक रहे वो हेंडरसन रहे। तो उनकी आलोचना के बाद देखिए, एक उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, आर्टिकल का नाम था यही था द फोर कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। और उस आर्टिकल के में जो लिखा गया था वो लिखा गया था रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडी 1943 में, जिसमें उन्होंने उपभोक्ता बचत को एक नया रूप दिया, नए तरीके से समझाने की कोशिश की। तो वही जो तरीका है वही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस का तरीका है, ये तो उन्होंने के बाद जो नया तरीका उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने दो वर्ड यूज किए, इक्विवेलेंट वेरिएंस और कंपनसेशन वेरिएंस, उसके थ्रू कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से निकलता है वो हम आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखिए, जो 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 अब जो डेफिनेशन के थ्रू हम कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, पहले एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यानी कि ये तो पुरानी डेफिनेशन हो गई जिसमें कंज्यूमर विलिंग टू पे और एक्चुअली पे है। यहाँ पे देखिए, कंज्यूमर सरप्लस में बी कंसिडर एट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी ईदर ऑफ पेड टू कंज्यूमर और मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम सच इन अ वे दैट कंज्यूमर इज नीदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ। यानी कि अगर कंज्यूमर का सरप्लस का मतलब उस मनी इनकम से, देखिए यहां पे सबसे पहली बात समझने की ये है, कंज्यूमर सरप्लस को आपने क्या माना, अमाउंट ऑफ मनी, ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस को हिक्स ने अमाउंट ऑफ मनी में मेजर किया, यानी कि वो पैसा जो अगर आपसे वापस ले लिया जाए तो आप उसी स्थिति में रहोगे जिस स्थिति में आप पहले थे। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बच्चों। कंज्यूमर सरप्लस में बी कंसीडर एज अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी ईदर ऑफ पेड टू द कंज्यूमर और मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम इन सच अ वे दैट कंज्यूमर इज नीदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ। It implies that consumer remain the same IC even after change in his economic position has take place. यानी कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक शर्ट है जो यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए यही जैकेट मैं यूज कर रहा हूँ, और मेरी इनकम इतनी है कि मेरी इनकम और इस गिवन प्राइस पे मैं 100 जैकेट बाय कर सकता हूँ। तो देखिए, 100 जैकेट बाय करने का मतलब क्या हुआ कि मैं 100 जैकेट बाय कर सकता हूँ। सिंपल समझ लीजिए, मेरी इनकम में मैं 100 जैकेट बाय कर सकता हूँ। तो मान लीजिए, चलिए प्राइस 100 रुपीज़ है इसका और मैं 100 जैकेट बाय कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं 10,000 रुपये की मेरी इनकम हो गई। अगर इसका प्राइस 50 रुपये हो जाए, अगर मेरा इसका प्राइस 50 रुपये हो जाए, तो डेफिनेटली मैं पहले से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा जो मतलब जैकेट है मैं वो बाय कर पाऊंगा। लेकिन हिक्स कहता है कि अगर कंज्यूमर सरप्लस पता करना है तो कंज्यूमर की इनकम में उतनी कमी की जानी चाहिए
जिससे कि वो पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाए, लेकिन पुरानी पोजीशन पे वो नया कॉम्बिनेशन ढूंढेगा। तो वो हम आपको जब डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम ये डेफिनेशन नहीं मिटा रहे हैं बच्चों, डेफिनेशन हम तब मिटाएंगे जब ये लास्ट होगा। तो ये डेफिनेशन को ही समझ लेना हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा इस पूरे के पूरे डायग्राम में। तो बच्चों यहां पे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कंज्यूमर की इनकम को उस तरीके से घटाया जाए कि कंज्यूमर अपनी पुरानी वापस पोजीशन में आ जाए, तो जितनी इनकम उसकी घटी वही कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरे को 50 रुपए में, मतलब मैं 50 रुपए होने पर मैं अब 200 जैकेट खरीद सकता हूं, तो मेरी इनकम आधी कर दी जाए जिससे कि मैं पुरानी पोजीशन में वापस आ जाऊंगा। ओके, लेकिन यहां पे मैंने एक गुड्स मानी है, वहां पे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहे बच्चों हम, लेकिन हम आपको इक्विवेलेंट वेरिएंस और कंपनसेशन वेरिएंस के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। तो यहां पर आप देखिए डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर सरप्लस की, कि आपकी अमाउंट उतना माइनस कर दिया जाए जिससे कि आप उसी पोजीशन पे रहें जिस पोजीशन पे पहले थे। ना तो आपकी पोजीशन पहले से अच्छी हो, ना ही पोजीशन आपकी पहले से खराब हो। सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेरिएंस, इसका मतलब होता है बराबर परिवर्तन। इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष आप बोल सकते हो एक तरीके से। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि प्राइस में अगर कमी होती तो मेरी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती। रियल इनकम बढ़ने से मैं पहले से ज्यादा एक्स गुड्स भी खरीद सकता हूं और पहले से ज्यादा वाई गुड्स भी खरीद सकता हूं। इसका मतलब मेरा वेलफेयर जो है वो राइज करेगा। ओके जी, लेकिन वास्तव में कीमत में कमी नहीं हुई। यानी कि वास्तव में कीमत में कमी नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए प्राइस में कमी होती है तो रियल इनकम बढ़ेगी। रियल इनकम बढ़ने पर, क्योंकि अगर हम मान लें ये एक्स गुड्स है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स गुड्स की डिमांड को बढ़ा देगा, जबकि वाई की डिमांड को चलिए मान लीजिए उसने कम कर दिया, या हो सकता बढ़ा भी दे, ऐसा कोई वो नहीं है। मान लीजिए वाई की डिमांड उसने कम कर दी, ठीक है। तो यानी कि प्राइस गिरने से जो रियल इनकम है वो बढ़ी, रियल इनकम बढ़ने से एक्स की डिमांड बढ़ी, वाई की डिमांड घटी, जिससे कि ओवरऑल वेलफेयर में वृद्धि हुई। लेकिन वास्तव में यानी कि रियल लाइफ में कीमत में घटी कमी हुई नहीं। यानी कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कीमत में कमी होती तो वेलफेयर बढ़ता, लेकिन वास्तव में तो कीमत में कमी हुई नो इन रियल लाइफ, लेकिन वास्तव में तो कमी हुई नहीं। लेकिन हमें वेलफेयर को बढ़ाना है, मतलब वास्तव में प्राइस में कमी नहीं हुई है, लेकिन हमें वेलफेयर के उसी पोजीशन पे पहुंचना है जिस पोजीशन पे हम पहुंच पाते अगर कीमत में कमी होती। तो हम क्या करेंगे, हम इनकम को बढ़ा देंगे। यानी इनकम को राइज करने से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स की डिमांड को बढ़ा सकते हैं और वाई की डिमांड को घटा सकते हैं, या एक्स की डिमांड को बढ़ा सकते हैं, वाई की डिमांड को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी हम कॉम्बिनेशन बिठा लें, है ना। लेकिन हमारा ये जो वेलफेयर है और ये जो वेलफेयर है ये बराबर बराबर ही होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेरिएशन। यानी इक्विवेलेंट वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर कीमत में कमी होती तो हमारा वेलफेयर बढ़ता, लेकिन वास्तव में कीमत में कमी नहीं हुई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसी के इक्विवेलेंट आपको इनकम जनरेट करके दे रहे हैं ताकि आप उसी पोजीशन पे पहुंच जाओ जिस पोजीशन पे आप पहुंचते अगर कीमत में कमी होती तो। मतलब यहां पे आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि वास्तव में कीमत में कमी नहीं हो रही है, वास्तव में कीमत में कमी नहीं हो रही है, लेकिन हम आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं, आपके वेलफेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी पोजीशन वही पहुंच जाए जहां पर पहुंचती अगर कीमत में कमी होती तो। लेकिन वास्तव में तो कीमत में कमी हुई नहीं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए महंगाई भत्ता देती है, साथ साथ आपको इंक्रीमेंट देती है। मैं इंक्रीमेंट की बात करता हूं, इंक्रीमेंट क्यों देती है, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के दो तरीके, या तो प्राइस में कमी कर दो या इनकम को बढ़ा दो, तभी आपका वेलफेयर बढ़ पाएगा। यानी कि यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो कीमत में कमी कर दो तो वेलफेयर बढ़ जाता है, या प्राइस में, या तो कीमत में कमी करने से वेलफेयर बढ़ जाता है, या इनकम बढ़ाने से वेलफेयर बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है या इकोनॉमी क्या कर रही है, कीमत में कमी हुई नहीं इसलिए आपको इनकम को बढ़ाकर आपको एक तरीके से क्या कर रही है, इक्विवेलेंट वेरिएशन दे रही है। इसको बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेरिएशन। एक बार मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, इक्विवेलेंट वेरिएशन इज द मनी इनकम दैट मस्ट बी टेकन फ्रॉम
और गिवन एज, यानी कि टेकन फ्रॉम क्या है कि इसी तरीके से अगर प्राइस, अगर हमें किसी की लिविंग स्टैंडर्ड को नीचे करना है, यानी कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने से लिविंग स्टैंडर्ड नीचे हो जाता है, तो जितना लिविंग स्टैंडर्ड नीचे हो जाता है उतना इनकम घटा दो या उतनी इनकम बढ़ा दो। अगर प्राइस बढ़ती है तो इनकम प्राइस बढ़ती है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ती तो लिविंग स्टैंडर्ड नीचे होता और प्राइस अगर घटती तो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होता, उसी के बराबर में हमें इनकम में चेंज करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमें उतनी इनकम चेंज करनी है जितना कि कंज्यूमर को प्राइस चेंज होने से मिलता, तो इसको बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेरिएशन। यहां पे बच्चों मैं आपको जो कंपनसेशन वेरिएंस है वो बता देता हूं। देखिए यहां पर हमारी रियल लाइफ में प्राइस को नहीं चेंज हुआ, यहां पर रियल प्राइस में प्राइस चेंज हुआ, रियल लाइफ में प्राइस चेंज हो गया। ठीक है, देखिए यहां पर रियल लाइफ में प्राइस चेंज नहीं हुआ है, अगर प्राइस में कमी होती तो रियल इनकम बढ़ती, रियल इनकम बढ़ती तो कंज्यूमर का वेलफेयर बढ़ता, क्योंकि प्राइस में कमी नहीं हुई है और हमें वेलफेयर बढ़ाना है तो हम इनकम बढ़ा के उसको एक तरीके से इक्विवेलेंट वेरिएशन दे रहे हैं। कंपनसेशन वेरिएंस तब कहलाता है जब प्राइस में कमी हो गई, प्राइस में कमी होने से जो रियल इनकम है वो बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ने से जो कंज्यूमर है उसका जो वेलफेयर है, हम कह लेते हैं कि वो एक्स की डिमांड को भी बढ़ा रहा है, चलिए मान लीजिए वाई की डिमांड को भी बढ़ा रहा है, ठीक है, मतलब रियल इनकम बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ने से हो सकता है कि वो एक्स और वाई की डिमांड दोनों को बढ़ाए, डिपेंड करता है ना नेचर ऑफ कमोडिटी और उसकी मैग्नीट्यूड पर। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए रियल इनकम उसकी बढ़ जाती है तो इस केस में कंज्यूमर को क्या होगा, आपका जो वेलफेयर है वो बढ़ेगा, वेलफेयर राइज करेगा, वेलफेयर भी राइज करेगा। अब गवर्नमेंट चाहती है कि वो उसी वाले लेवल पे आ जाए तो इसका मतलब इनकम में क्या कर देगी, कमी कर दी जाएगी, इनकम में इस तरीके से कमी की जाएगी कि वो पुराने आईसी पर आ जाए। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको पुराने आईसी पर उसे वापस लाना है, यहां पर आपको उस आईसी पे लाना है जिस आईसी पर उस वो पहुंचता अगर प्राइस में कमी होती तो। तो बच्चों ये डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे, आगे हम आपको समझा देते हैं कि चार तरीके के कंज्यूमर सरप्लस होते हैं, जिसमें पहला है द क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएंस इनकम, द प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएंस वेरिएशन ऑफ इनकम, द क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन ऑफ इनकम, द प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम। तो ये चार तरीके के हैं, दो हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन के, दो हैं इक्विवेलेंट वेरिएशन के, इस तरीके से पूरे चार आपको डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं, थोड़ा टॉपिक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इक्विवेलेंट वेरिएंस और कंपनसेशन वेरिएंस में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं, इसमें प्राइस अगर गिरती है, मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूं बच्चों ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, इसमें प्राइस अगर गिरती है, अगर मान लीजिए इसमें प्राइस गिरती है, ठीक है, प्राइस गिरने से जो वेलफेयर बढ़ेगा, प्राइस गिरने से वेलफेयर जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन इस केस में क्योंकि एक्चुअल में प्राइस नहीं गिरा है लेकिन हमें वेलफेयर के न्यू उस ऊंचे लेवल पे पहुंचना है, यानी कि न्यू वेलफेयर पहुंचना है, इसलिए हम इनकम को क्या कर देंगे, राइज कर देंगे। और यहां पे अगर प्राइस में कमी होती है तो हमारा वेलफेयर बढ़ जाता है, ये एक्चुअल में नहीं बढ़ा, यहां पे एक्चुअल में बढ़ा है, एक्चुअल में घटा है सॉरी, वेलफेयर राइज कर जाता है, वेलफेयर राइज करने की वजह से हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम वेलफेयर को राइज ही रहने देना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वेलफेयर को उसी लेवल पे घटा दें, इनकम घटा दें, इनकम को घटा दें, इनकम को घटा देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड वाले पे आ जाते हैं, ओल्ड आईसी पे आ जाते हैं, जिससे कि हम जिसको हम बोलते हैं बच्चों कंपनसेशन वेरिएशन। बेटा वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में हो सकता है कि इनकम ना घटाई जाए, हो सकता है इनकम ना बढ़ाई जाए, लेकिन हम ये इनकम घटाने और बढ़ाने को इसलिए ले रहे हैं ताकि हम कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू को पता कर सकें। तो ये है बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट, अगली वीडियो में हम आपको डायग्राम के थ्रू सारा समझा ही देंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।